चलो तो लास्ट लेक्चर अपन क्वेश्चन तो एक भी नहीं कर पाए थे, बट मैं आपको ऐसे देखे गया था सम 4 to 5 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एट होम, आई होप सबने ट्राई कराओ। तो अपन को प्रॉपरली क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना था, तो क्या बन रहा है बच्चों? एक सर विल बी डिस्कसिंग वो बुकलेट वाले आल्सो। नहीं नहीं हाँ बुकलेट वाले मतलब जो मैंने पूरा लास्ट लेक्चर दिए थे वही वाले होमवर्क। हाँ हाँ अलग से जो होमवर्क दिया था वो नहीं, ये वाले कर लेते हैं। ये बेसिक सम्स थे, मतलब बहुत ज्यादा फाइटर सम्स नहीं थे, आई एम अज्यूमिंग कि हो गए होंगे इसमें से मैक्सिमम। तो ये वाला क्या बन रहा है बच्चों, लुक एट दिस, आई डॉट आई ए वेक्टर, तो आई डॉट आई तो 1 होता है, माइनस आई डॉट ए आई कैप, सेम जे डॉट जे ए वेक्टर, माइनस ए डॉट जे जे कैप, प्लस के डॉट के ए वेक्टर, माइनस ए डॉट के कैप, ये बन रहा है बच्चों। So we are actually getting this as 3a vector minus a dot i cap plus a dot j cap plus a dot k cap तो ये वैसे दिख तो रहा है, but anyway explain भी कर ही देता हूँ। अगर a vector literally ये होता तुम्हारा a to j cap plus a 3 k cap तो कितने बच्चों समझ रहा है कि a dot i cap का मतलब a1 होता है, a dot j cap का मतलब a2 होता है, and a dot k cap का मतलब a3 होता है। तो ये मिला के ये वाला वेक्टर क्या बन रहा है, ए डॉट आई कैप को a1, ए डॉट जे कैप को a2 और ए डॉट के कैप को a3 लिख सकते हो। अरे तो ये वेक्टर ही है, तो 3a माइनस a इज 2a, ऑलराइट, तो दिस इज इट। उसके बाद क्या था बच्चों, सेकंड वाला मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था डिराइव करके, तो आई होप डिराइव हो गया हो, कुछ ज्यादा खास नहीं था ये। ये क्या करोगे पहले, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन इज इजियर। तो v1 इज v1 plus v2 minus v3, देखो एक बार, this plus this minus this, तो this plus this में a plus 2b plus c बनेगा, minus third में, दिख रहा है, 2b, b plus c, c plus a, तो 2 common निकाल लेते हैं, alright, 2 common निकाल लो, उसके बाद क्या बन जाएगा, v2 minus v1 है ना, तो v2 माइनस v1 में b c c प्लस a और उसके बाद v3 माइनस v2 तो 2 टाइम्स b c दिस माइनस दिस करने पे a, जिसको साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो 2 टाइम्स abc, मेमोराइज दिस, याद रख लो a प्लस b b प्लस c c प्लस a इज 2 टाइम्स abc, प्लीज मेमोराइज दिस। इसके बाद थर्ड वाला क्या है, a माइनस b माइनस c एंड a प्लस 2b माइनस c, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस। तो सबसे पहले तो दिख रहा है v2 माइनस v1 कर दो, तो v2 माइनस v1 करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों a प्लस 2b माइनस c, v2 माइनस v1 कर दो और क्या कर सकते हो, v3 माइनस v2 भी कर दो, v3 माइनस v2 करोगे तो दिस माइनस जिसमें a प्लस 2b बचेगा है ना। अब इसके बाद v3 माइनस v1 भी कर दो, v3 माइनस v1 करोगे तो क्या बचेगा, दिस माइनस दिस विल बिकम 3b, तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 3 टाइम्स ए माइनस बी सी एंड बी वेक्टर, एक माइनस 1 सी से कॉमन निकल गया, एक 3 कॉमन निकल गया। अब करोगे v1 प्लस v2 तो क्या बन जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ए सी एंड बी, जिसको स्वैप करोगे इन दोनों को स्वैप करोगे तो क्या बन जाएगा, एक प्लस 3abc बच जाएगा। तो दिस वॉज ऑल्सो फेयरली इजी। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला इज नॉट टू बी डन बाय, हाँ सर मैंने थर्ड वाला दूसरे मेथड से किया पर मुझे आंसर 3 टाइम्स a माइनस b माइनस c आ रहा है, तो वो सेम ही होगा ना, ऑब्वियसली माइनस b और माइनस c में से माइनस माइनस कॉमन निकाल ले प्लस बन गया। ओके सर, इसमें क्या हो, तो ये वाला रो एंड कॉलम ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, इसको किससे करना पड़ेगा, पॉइंटलेस है वो वाला चीज, इसको तुम्हें डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा कि भैया लिटरली ट्रिपल प्रोडक्ट का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट का ओरिजिनल मीनिंग होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा तो दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, कितने बच्चों को दिख रहा है कि जो सेकंड वाला टर्म है इट इज प्रॉपर फोर प्रोडक्ट, वेक्टर फोर प्रोडक्ट, तो वेक्टर फोर प्रोडक्ट क्या बोलता है, बी सी ए सी वेक्टर, तो बी सी ए का बॉक्स सी वेक्टर माइनस बी सी सी ए वेक्टर, ऐसा बन रहा है बच्चों। ओके तो आई होप सबको समझ आ रहा हो, कितने बच्चों को ये देखिए ये वाला टर्म जीरो है क्योंकि बी सी और सी दो आइडेंटिकल वेक्टर रहते तो डब्बा जीरो रख सकते हो पहले ही, ऑलराइट, एंड बच क्या रहा है, ए क्रॉस बी
ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को पहले बाहर ही निकाल लो डॉट क्रॉस के, और ए क्रॉस बी किसके साथ डॉट लिया जाएगा, द वेक्टर इज सी, तो ये बन रहा है बी सी ए और वो बन गया ए क्रॉस बी डॉट सी मतलब ए बी सी, तो दोनों को साइक्लिक घुमा के मतलब इसको साइक्लिक घुमा के एबीसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, चलेगा? आई रिक्वेस्ट यू टू मेमोराइज दिस ऑल्सो, ये भी याद रखो फोर्थ वाला भी, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए का बॉक्स इज एबीसी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक ऐसी टिप दे रहा हूँ, दिस कैन बी यूजफुल, कैन बी इफ ए एंड बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो कितने बच्चों में समझ आ रहा है कि ये बक्सा नॉन जीरो होगा, बोलो एबीसी का बॉक्स नॉन जीरो होगा ना, और अगर एबीसी का बॉक्स नॉन जीरो है तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए का भी बॉक्स नॉन जीरो हुआ, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ही है। एबीसी आर नॉन कोप्लेनर कैन आई से, बोलो अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर, समझा? आई थिंक इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, बात बड़ा ऑब्वियस ही है। ओके उसके बाद कौन सा है बच्चों, 2b का मैंने शायद 8th दिया था, दिस इज द इजिएस्ट सम, i प्लस j, j प्लस k, k प्लस i, कैसा सिस्टम बना रहा है, तो पहले तो इसका बॉक्स निकालते हैं, तो ये इसका बॉक्स ij के बन जाएगा बच्चों, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, 2 टाइम abc, और ij k का बॉक्स निकालो, ij k का बॉक्स क्या हो जाएगा, i क्रॉस j डॉट k, मतलब i क्रॉस j इज k कैप, तो k कैप डॉट k कैप इज 2, व्हिच इज पॉजिटिव, यस और नो? तो अगर किसी चीज का डब्बा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम है बच्चों, राइट हैंडेड नॉन ट्यूब, आरएचएस, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट, तो दिस शुड बी इजी। उसके बाद 1b का 7, 1b का 7 भी स्टडी कर लो, बहुत सिंपल सा है, देखो नहीं 1b का 7 है ना, नहीं 1a का 7 है, तो 1a का 7 क्या बोल रहा है बच्चों, ये देखो 1a का 7 इज टेलिंग अस A cross B dot C is given mod A mod B mod C, है ना? तो एक काम करो, definition use करो, चाहे interpretation use करो, geometrical कोई फर्क नहीं पड़ता। A cross B क्या होता है? Mod A mod B sin theta और C dot n cap, ये बच रहा है, ठीक है? Which is as good as mod A mod B sin theta और C dot n cap क्या हो जाएगा? Mod C, C dot n cap is some cos alpha। तो देखो, इससे क्या interpretation मिल रहा है? ये किसके बराबर गिवन है? मॉड ए मॉड बी मॉड सी के बराबर, तो इसका मतलब है साइन थीटा भी वन होना पड़ेगा एंड कॉस अल्फा भी वन होना पड़ेगा। तो कितने बच्चों ने समझा कि भैया साइन थीटा वन मतलब थीटा 90 डिग्री है और अल्फा 0 डिग्री है, तो थीटा 90 मतलब ए और बी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, है ना, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल थीटा था 90, और ए क्रॉस बी ये होता है बच्चों दिस इज एन कैप, और सी डॉट एन कैप is mod c cos alpha, तो c का n के साथ एंगल क्या है? 0, तो n cap की डायरेक्शन में c है, c n cap की डायरेक्शन में ही है, तो एक्चुअली abc म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है? हाँ ब्रायन करेक्ट, ये RHS क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और LHS पैरेललोपाइपेड का, तो ये दोनों वॉल्यूम तभी हो सकते हैं जब वो क्यूबॉइड हो, करेक्ट करेक्ट एकदम सही है। फिर उसके बाद 21 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड सर, 1a का 21 दिया था ना, हाँ दिया था, हाँ यस सो दिया, बहुत ही सिंपल यार ये, तो उसने बोला वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड विद द कोटर्मिनस एजेस, तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड विद कोटर्मिनस एजेस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए कितना होगा बच्चों, 2 times, और 2 times बॉक्स एबीसी तो गिवन है, कितना गिवन है, 2 times कितना गिवन है, 3 बस, तो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया यार, छी मजा ही नहीं आया, तो 36 होना चाहिए ना आंसर सर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दिया है। अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जस्ट अ सेकंड, आई डिडंट सी इसमें वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म, अच्छा 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 बॉक्स एबीसी, तो बॉक्स एबीसी बाय 6 इज गिवन 3, तो बॉक्स एबीसी इज 18 एक्चुअली, यस करेक्ट, आई डिडंट सी इट, थैंक यू, ऑलराइट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 1c4, 1c का 4 एंड 1b का 7, 3, 7 एंड 12, चलो ठीक है,
तो बंसी का फोर, ये सब आई थिंक ओके ओके टाइप के क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो बंसी का फोर देख लेते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। बंसी का फोर, एबीसी गिवन वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा ठीक है, तो पहले तुम एबीसी का बॉक्स निकाल लो बच्चों। एबीसी का बॉक्स मैंने अभी पिछले क्लास में कराया तो वो 36 आता है, तो मेरे को तो याद ही है। V1 क्या दे रखा, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम हु थ्री को टर्मिना सजेस्ट। तो ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, टू टाइम्स ए बी सी, मतलब दिस थिंग इज टेक्निकली 72। और V2 क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विद को टर्मिना सजेस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, तो बन जाएगा 1/6 ऑफ 36 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो V1 प्लस V2 बाय 72 क्या बन जाएगा, 72 प्लस 36 इंटू 3 इंटू 70, मतलब 4 आंसर आ रहा है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, 3, 1B का 3, देखिए क्या बोल रहे हैं भैया, मल्टीपल करेक्ट थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, A क्रॉस B क्रॉस है, ये तो दुनिया का बहुत आसान सा सम हो गया। ये वेक्टर कितने किस किस को परपेंडिकुलर है, A को भी और B क्रॉस को भी, दोनों को परपेंडिकुलर है। और ये भी बोल सकते हो कोप्लेनर विद बी एंड ए, तो जो भी ऑप्शन मैच हो रहा हो, कौन सा दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, हाँ परपेंडिकुलर टू बी, नहीं परपेंडिकुलर एसीडी, एसीडी ठीक है। उसके बाद क्या है, 7, तो 7th में क्या बोल रहा है बच्चों को, ए वेक्टर इज गिवन एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर क्या है बच्चों, बी वेक्टर इज वाई जे कैप, सॉरी वाई आई कैप है, जेड जे कैप और एक्स के कैप, और सी वेक्टर क्या बन रहा है, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, ये बन रहा है। तो उसने पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है बच्चों, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, है ना। अब ध्यान से देखो, ए डॉट सी और ए डॉट बी दोनों निकाल के देखो, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू क्या बन रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देख लो ऐसे वेक्टर्स गिवन है, ठीक है ऐसे वेक्टर्स गिवन है। तो ए डॉट सी और ए डॉट बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स वाई एज अ स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा खाली बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो बन जाएगा समेशन एक्स वाई इंटू बी माइनस सी, बोले तो वाई माइनस जेड आई कैप प्लस जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। तो बेसिकली ये वाला वेक्टर, वो तो बाहर वाला क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी, ये वाला वेक्टर बन रहा है तुम्हारा। अब जैसे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन तो ट्रू आ गया, इट इज लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर, तो इसके पैरेलल है ऑफ कोर्स। और बी ऑप्शन बोल रहा है ऑर्थोगोनल टू आई प्लस जे प्लस के, तो आई प्लस जे प्लस के ऑर्थोगोनल, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो आई डॉट आई क्या बन रहा है, जे डॉट जे क्या बन रहा है, सॉरी, और के डॉट के क्या बन रहा है, जीरो बन गए, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस जीरो, जीरो मतलब ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, व्हाट एवर यू से। सी वाला क्या है, ये वाला वेक्टर है वाई प्लस जेड आई कैप, ये भी दिख ही रहा है यार, जेड प्लस एक्स जे कैप एंड एक्स प्लस वाई के कैप, ऑलराइट, तो इनका भी डॉट निकालो क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा है यार, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। और डी वाला भी बन रहा है यार, एक्स एक्स आई वाई जे जेड के, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट लो क्या बन जाएगा, एक्स टाइम्स वाई माइनस जेड प्लस वाई टाइम्स जेड माइनस एक्स प्लस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई, वो क्या बन रहा है, एक्स वाई यहाँ पे बन रहा है और ये माइनस एक्स वाई ऐसा बन रहा है, माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड और ये जीरो, तो परपेंडिकुलर, तो ए बी सी डी आंसर था इसका, आंसर बस ए बी सी डी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 12th वाला बताने में, तो 12th वाला देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस, तो ए क्रॉस बी इज सी एंड बी क्रॉस सी इज ए, तो पहली बात तो क्या 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 इन्फॉर्मेशन मिल गया बच्चों, ए क्रॉस बी सी, इसका मतलब है सी डॉट सी परपेंडिकुलर टू ए, सी परपेंडिकुलर टू बी, है ना, सी इज ए क्रॉस बी, तो सी ए और बी के परपेंडिकुलर है, एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ऑलराइट बच्चों, एक तो ये मिल गया, ऑल्सो गेट यूज टू दिस,
अभी अपन इसको कई बार यूटिलाइज करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो यू कैन टेक डॉट एंड क्रॉस ऑफ एनी वेक्टर यू वांट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें सी का डॉट लेता हूँ पहले, हियर आई टेक डॉट ऑफ सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी विल बी सी डॉट सी, है ना। तो इससे मिल रहा है बॉक्स ए बी सी इज मॉड सी स्क्वायर। इसमें एक काम करो, डॉट ले लो किसका, ए का, तो लेफ्ट साइड से डॉट मारता हूँ तो ये ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा। अरे बट ये भी तो बॉक्स ए बी सी है, तो बॉक्स ए बी सी इज ऑल्सो मॉड ए स्क्वायर, सो वी आर बेसिकली गेटिंग मॉड ए इक्वल टू मॉड सी, ये मिल रहा है हमें, ये दोनों बराबर है। अच्छा बट ये भी ध्यान से देखो, ऑल्सो सिंस ए क्रॉस बी सी और ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन 90, सिंस दे आर परपेंडिकुलर इज मॉड सी। तो एक्चुअली मॉड बी की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है एक्चुअली में, तो मॉड बी इज 1। तो ये हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप ये सब लोगों ने अच्छे से घर पे ट्राई किए हो और बने भी हो। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ होगा, एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा पोपर टाइप फील हुआ होगा, बट आई थिंक दे वर फाइन। ठीक है बच्चों, ऑलराइट पीपल, यस सर। चलो तो आज अपन को बस इसको वेक्टर्स को रैप करना है, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने, मुझे कुछ अपना थ्योरी एसेज बाकी नहीं है, छोटे दो दो पॉइंट बाकी है बस। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो है उसको बोलते हैं बच्चों, दिस थिंग इज कॉल्ड सॉल्विंग अ वेक्टर इक्वेशन। तो दिस इज नॉट अ थ्योरी वाला पार्ट, दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट क्रॉस ट्रिपल फोर वाला ऐसा। तो इसमें कुछ आई कांट टीच बिकॉज देयर इज नथिंग टू टीच, दिस इज जस्ट लाइक सॉल्व। तो बस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, उस पर क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि दीज क्वेश्चंस मुझे थोड़े से कराने पड़ेंगे, मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब है। तो लुक एट दिस सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, सुन के तो ऐसा लगता है कुछ भयंकर खतरनाक आने वाला है। नो, इट इज जस्ट टू बी डन, जस्ट मैनुअली करना है बस। तो देखो एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ, कोई थ्योरी तो है नहीं इसकी। जैसे तुम्हें ऐसे डेटा दिया होगा कुछ कुछ, सम इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इफ दिस एंड लेट्स से एक और डेटा दे देता हूँ ऐसा, ये और ये दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो वो तुम्हें यूजली क्या पूछेगा, सॉल्व फॉर आर वेक्टर। तो जब भी ऐसे सॉल्व फॉर आर वेक्टर आ जाए उसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है गेट आर वेक्टर एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स। मतलब आर को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब चल जाएंगे। इफ दे आर आस्किंग फॉर सॉल्व फॉर आर, मतलब आर इन टर्म्स ऑफ, जैसे यहाँ पे ए और बी है तो ए और बी अपेरेंटली कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स हैं, तो आर को ए और बी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है। जब आर को ए और बी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट मॉड आर। मॉड आर का मतलब क्या होता है, मॉड आर, इट इज नॉट आर, मुझे आर वेक्टर चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट आर वेक्टर प्योरली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एंड डोंट गेट आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर। कई बच्चे आर को आर के टर्म्स में छोड़ के आंसर लिख के आ जाते हैं। अब जैसे मान लो मैं सॉल्व कर रहा हूं, एंड सॉल्व करते करते ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों, आर इज आर डॉट बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड सी, ऐसा कुछ बच रहा है। कैन यू कॉल दिस अ सॉल्यूशन, टेल मी, कैन यू कॉल दिस अ सॉल्यूशन, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट हमेशा करोगे ही करोगे इसमें, वी टेक डॉट एंड क्रॉस ऑफ सूटेबल वेक्टर्स टू सेपरेट आउट दी आर वेक्टर। आर वेक्टर यूजली हमेशा किसी के क्रॉस पॉस में फंसा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फंसा होगा, टू सेपरेट आउट दी आर वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मैं यही वाला एग्जाम्पल शो करता हूं, अब ये सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, तुम्हें पहले से पता हो कि इसका डॉट या इसका क्रॉस लेना ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप करना पड़ेगा कि वॉट इफ इसका डॉट लू, वॉट इफ इसका क्रॉस लू, वॉट इफ इसका डॉट लू, ऐसे करके कुछ कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो जब ट्राई करोगे तब जाके तुम्हें एक कोई सा स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यार इससे आंसर आ रहा है, और ऑफकोर्स थोड़ा सा डेटा देख देख के भी। तो चलो पहली बात मेरी सुनना अच्छे से, ये दो इक्वेशन दो कंडीशन की बने, कैन यू चेंज एनीथिंग अबाउट सेकेंड वन,
r dot a equals to 1 में कुछ भी उंगली कर सकते हो क्या? माइन्यूटेस्ट ऑफ चेंजेस कैन यू ब्रिंग सेकंड इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन का कुछ हो सकता है r dot a equals to 1? क्यों नहीं? क्यों नहीं? उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको चुपचाप रख के रखो, बट उसकी शक्ल देख के ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करूं बताओ? ये जो इक्वेशन है तो सॉल्यूशन के हिसाब से ये जो इक्वेशन है इसमें क्या हरकतें करूं जल्दी बताओ? एक का डॉट ले लेंगे तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आर का डॉट R का डॉट वर्स्ट पॉसिबल आइडिया सर, R का कभी मत लो, R से तो और वेरिएबल बढ़ रहे हैं, तुम दोनों साइड R इंट्रोड्यूस कर रहे हो जबरदस्ती, R से मत लो, कुछ और करो, बोलो क्या करें सर? B से डॉट लेंगे तो इज जीरो, कूल, B डॉट R A इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट इज फाइन बट दैट डज नॉट गिव यू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद स्केलर बचता है, तो डॉट अलोन विल नेवर गिव यू द आंसर, तुम्हें कभी ना कभी क्रॉस लेना ही पड़ेगा, डॉट में गिव यू सम इंटरमीडिएट कंडीशन, क्या करें यार एक्स्ट्रा? बी आर ए का बॉक्स जीरो इज टोटली यूजलेस फॉर अस, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एलएचएस में लेके कुछ कर सकते हैं क्या? एलएचएस में कुछ कर सकते हैं, ये लिखा है, टिप पढ़ के बताओ, टिप पढ़ के, यस सॉरी सर, ओके, टिप पढ़ के बताओ क्या क्या करूं? दो ही तो ऑप्शन है यार, ए का क्रॉस ले। हाँ वेरी गुड, तुम दो ही चीजों का क्रॉस ले सकते हो, किन किन का? बी और ए, बी और ए का, बट व्हाई एम आई इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेकिंग क्रॉस ऑफ ए, कौन बताएगा मुझे? क्रॉस ऑफ ए क्यों ले रहा हूँ, बी का लिख भी क्यों नहीं रहा? आर के साथ नहीं, नहीं नॉट जस्ट दैट, ये देखो बोलो, आर डॉट ए गिवन है ना, तो आर डॉट ए कब बनेगा बताओ? आर डॉट ए कब बनेगा, जब ए का क्रॉस लूंगा कि बी का क्रॉस लूंगा? समझ आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड क्या कंडीशन के हिसाब से मैंने ए का क्रॉस प्रेफर किया, क्योंकि आर डॉट ए गिवन है, आर डॉट बी गिवन होता तो मैं बी का क्रॉस करने की कोशिश करता। तो देखो आर डॉट ए, पहले तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ए डॉट ए क्या होता है, मतलब ये हो जाएगा ऐसा सर, आर एच एस में भी क्रॉस आएगा ना? यो 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 यो, सही है, ऑलराइट थैंक यू, है ना? तो a dot a r वेक्टर और एक बचेगा a dot r a वेक्टर, हाँ या ना, जल्दी बताओ मैं, no need to simplify RHS, वो तो चलेगा जैसे लिखा लिखे रहने, a dot r की सुंदर सुंदर वैल्यू गिवन है तो चिपकाओ, कितने बच्चों को दिख रहा? हाँ यार, एक्चुअली में चिपकाने के बाद सेपरेट भी हो गया और सेपरेट हो गया और सॉल्व भी हो गया, ये देखो जल्दी बताओ, एक उधर ट्रांसफर करो तो a क्रॉस b क्रॉस a प्लस ए होल डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर से तो डिवाइड कर सकता हूँ ना, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर से डिवाइड मत कर देना, yes. ठीक है, तो सॉल्व हो गया क्या? yes. तो समझा आपको, देखो यू कुड हैव टेकन दिस बट नेक्स्ट स्टेप में आपको रियलाइज हो जाता कि दिस वॉज पॉइंटलेस, तो करके देखो, पहले से आप जज नहीं कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा, एक या दो बार करना पड़ेगा फिर दिखेगा कि नहीं हो रहा, फिर दूसरे से करो ऐसा, तो दिस इज प्योर मैनिपुलेशन, तो इसमें मैं क्वेश्चंस देके आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा सकता हूँ, बट मैं आई कैन नॉट टीच यू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज लिटरली यहाँ पे भी मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, आपको मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, बस मैं बता सकता हूँ कि दिस इज द वे यू प्रोसीड, बाकी करना तो हम ही पड़ेगा, ठीक है, इज दिस ओके? इसको छाप लो बच्चों, तो कलेक्टिवली यस, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव सीन सो फार, एग्जैक्टली यस सर, बी क्रॉस ए जीरो है तो एंड स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बी क्रॉस से जीरो कहाँ दिया है बिरजू? सर आर डॉट ए वन है तो आर क्रॉस से जीरो हो जाएगा ना? वाह लल्ला क्या बात है, बहुत बढ़िया, स्मैक योरसेल्फ सिंस नोबडी एल्स इज देयर, दुष्ट, आर डॉट ए वन है तो आर क्रॉस से जीरो क्यों हो जाएगा, खुद की थ्योरी बना ले, है ना? व्हाट पॉसिबल रीजनिंग कैन यू गिव सर? उसमें कॉस जीरो होगा तो इसमें साइन, अरे मेंढक पागल हो गया, तो पूरा पूरा फुल पागल हो चुका, देख आर डॉट ए का मतलब होता है मॉड आर मॉड ए कॉस थीटा, अच्छा हाँ सर सॉरी समझ गया सर, भाई ऐसी हरकतें मत कर, थोड़ा ध्यान रख, मॉड आर और मॉड ए कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, ऑलराइट? हाँ सर समझ गया सर, हाँ तो थोड़ा ध्यान दे के करना, तो ये मैनिपुलेशन के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फाइट होगा तो फाइट मारो,
लाइफ इज ऑल अबाउट फाइटिंग. तो इसको छापो बच्चों और मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? तो आज अपन पूरा वेक्टर्स रैप कर देते हैं और मुझे थोड़े गंदे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे क्योंकि जेई में अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों वेक्टर के. जेई में अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं वेक्टर के, तो मेरे को थोड़ा सा गंदे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराना पड़ेगा. बोलो सर, हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक अभी ए का क्रॉस लेते हैं, हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि दोनों लाइक राइट साइड में लेना है लेफ्ट साइड में लेना है. हाँ, क्रॉस ले रहे हो तो लेफ्ट हैंडेड क्रॉस ले रहे हो कि राइट हैंडेड क्रॉस ले रहे हो, ये भी ध्यान देना पड़ेगा. यस, हाँ ओके, हाँ, वरना तुम्हारा आंसर गलत आएगा. नेगेटिव और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहता है, मतलब वो एडजस्ट कर सकते हो, बट व्हेन यू आर टेकिंग डॉट क्रॉस सेम साइड से लो, मतलब ऐसा कि दोनों को लेफ्ट से ले रहा हूं तो लेफ्ट से लो या फिर दोनों को राइट से लो, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा. जस्ट बी केयरफुल. ओके सर, थैंक यू. तो आज अपन थोड़े धूम वाले क्वेश्चन करेंगे. सर, हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मॉड आर और मॉड ए का वैल्यू 1-1 और हो जाए फिर, मतलब और... ये तो वो देगा ना, तो पहले से कैसे अज्यूम कर सकता है? अच्छा, अगर दिया तो लेंगे वो. हाँ, दिया तो लेना ना, जब तक नहीं दिया तब तक यू कांट अज्यूम. ओके ओके सर, थैंक यू सर. ऑल राइट, तो मैं थोड़ा सा ऐसे खिसका के जरा सा मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग कॉपी करो. तो ट्रिपल और फोर प्रोडक्ट के फॉर्मूले देखना, वो काम आएंगे. पहले मैं वेक्टर इक्वेशन की क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले वेक्टर इक्वेशन के दे रहा हूँ, फिर थोड़े मिसेलेनियस दूंगा. तुम लोगों का इंटीग्रेशन चालू हो गया बच्चों? हाँ सर. नो सर. नो सर. नो सर. एओडी चालू है. अभी तुम्हारे कितने लेक्चर लग रहे हैं पर वीक, मतलब मैं भरत सर के लेक्चर? दो ही लेक्चर. अच्छा 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 अच्छा. सेकेंड क्वेश्चन में आंसर इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. लैम्डा इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म, सम स्केलर क्वांटिटी. आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है? तो इट्स फाइन. अब धीमे धीमे. अच्छा, और एक और बात पहले बता रहा हूं, इसपे इजी क्वेश्चंस बनते ही नहीं, इसपे मीडियम और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. तो कोई से भी क्वेश्चन एकदम इजीली हो जाए पॉसिबल ही नहीं है. वो एकदम इजी वाले अपन आज ही डिस्कस कर लिए सुबह सुबह, बट अब ये सब मिनिमम मीडियम लेवल के सम्स होंगे, मेंस से लेवल से तो ऊपर ही होंगे. तो सोचो धीमे धीमे, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर डिफिकल्टी में हो. Solve for R vector if R cross A plus R dot B C vector is B cross C. इसका थोड़ा बड़ा सा आंसर आएगा और थोड़ा मैनिपुलेशन लगेगा, हिट एंड ट्रायल लगेगा इन चैप्टर 3 क्वेश्चन 5. ये थोड़ा गंदा समय, मतलब थोड़ा मेहनती समय है. ओके, हाँ निशिम बोल सकते हो. हाँ, थोड़े अच्छे ही क्वेश्चन है ये, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है. देखो अब थोड़े मैं मिसेलेनियस पूरा ट्रिपल और फोर और फाइव और सिक्स वेक्टर, सॉरी ट्रिपल प्रोडक्ट और फोर प्रोडक्ट के मैं मिसेलेनियस समझ रहा हूँ. ये भी हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है सर? बोलिए भैया जी. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ए के टर्म्स में एक्स और वाई निकालना है ना? नहीं नहीं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. बीबी तो है. ओ सॉरी, बीबी है, सॉरी. हाँ, खाली ए नहीं, solve for x and y purely in terms of a and b. तो देखो कंडीशन पढ़ पढ़ के सोचो, किसका डॉट किसका क्रॉस कहां पे क्या फैलाना ढिंका. मिसेलेनियस में धीमे धीमे देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन आएंगे. ये मुझे बहुत पसंद है सम,
और एक्सरसाइज 3 का 21, ये भी मुझे बहुत पसंद है सर। बहुत अच्छे मेथड्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के, अपन को बहुत मजा आएगा। और ये एक दो मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे जाता हूँ, थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसे मिलेंगे नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है? विंडो टू जेई एडवांस कभी सॉल्व नहीं किया तो ठीक है ना, इनफैक्ट ठीक नहीं, अच्छा है तुमने आज तक विंडो टू जेई एडवांस सॉल्व नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि हमेशा एडवाइस दिए रहता है कि जस्ट जेई के एग्जाम के दो तीन तीन एक वीक पहले, जेई का एग्जाम जब आने वाला उसके 3 वीक पहले तुम क्या कर रहे होगे, उसके 3 वीक पहले तुम सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होगे, सारे प्रीवियस ईयर जेई पेपर्स तुम अटेम्प्ट कर रहे होगे। दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। जैसे जनवरी फरवरी में तुम लोग रैंडम AITS और सारे रिवीजन पैकेज सॉल्व कर रहे होगे, बट जब एग्जाम आ रहा है उसके 2 हफ्ते पहले से तुम खाली उसके पेपर सॉल्व करोगे। तो इट इज परफेक्टली फाइन नॉट टू डू जेई एडवांस या फिर ये विंडो टू जेई वाले, समझ चलेगा, इज परफेक्टली फाइन। बिल्कुल भी नहीं निश्चित, बिल्कुल भी नहीं, तूने कहीं गलती करी वापस देख, बिल्कुल भी नहीं, यू मेड अ मिस्टेक समवेयर, प्लीज चेक। एक काम करो बच्चों, इसका फोटो खींच के अभी के अभी ग्रुप पे डाल दो, इसका फोटो खींच के अभी ग्रुप पे डाल दो। फर्स्ट मेन जनवरी आई थिंक, अंटिल इसको एकदम से फिर से उनका दिमाग चल जाए, बट आई एम गेसिंग जनवरी। ये थोड़े ग्रिल करने वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ट्राई देम एट योर ओन रिस्क। डिपेंड्स अपॉन कितना टाइम, अभी तुमको उसमें ही टाइम लगेगा, पहली बात तो ये सब में टाइम लगेगा, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। सर थोड़ा वेट करेंगे चालू करना, तुम तो स्टार्ट करो ना, तुम स्टार्ट करो। वो कर दिया आपको वेट? हाँ मैं तो मतलब पर क्वेश्चन 5-5 मिनट दे दे के। सर ऐसा हो सकता है कि एक्स वेक्टर ये ए और बी वेक्टर ये कुछ डॉट या क्रॉस फॉर्म में आ जाए तो वो चलता है ना, कुछ और फर्दर सिंपलीफाई करना? नो, एक्स अगर किसी के साथ डॉट में, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी नहीं सर, मतलब एक्स एज अ स्टैंड अलोन है, पर राइट हैंड साइड पे जो दो वेक्टर्स है उनका क्रॉस या डॉट हो रहा है तो वो चलता है? ए और बी में डॉट क्रॉस कुछ भी चल जाएगा, बिल्कुल उसको लिखे रहने दो। जैसे देखो ना अपना एक एग्जांपल था, अपन ने जो सॉल्यूशन लिया RHS में कुछ भी हो, ए और बी में कचरा, वो फर्क नहीं पड़ता। आर इन आर मस्त एकदम सुंदर सुंदर एकदम अलग अलग होना चाहिए। हाँ तो दिस क्वेश्चन विल बी टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, क्वेश्चन 2 स्पेशली विल बी टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। जहर है ये, करते रहो करते रहो करते रहो, सॉल्वेबल है बट जहर है। हाँ सही है मौलिक, वेरी गुड। मॉड एक्स गिवन नहीं है मित्र, नो प्रजेश नो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 में कोई ट्रैप है? मानवी ऑब्वियसली you should be able to see it, this would kill you if you were to go about this by the conventional direct matlab jo bola exactly wahi karoge to maut ho jayegi, there has to be a better way. So but tum jaise bhi ho raha hai tum solve karna of course, but there has to be a better way. To tum notes thode se aise idhar udhar notes mein jhankna, theek hai, kuch dikhega. Krishna sahi hai ha sahi hai wo understood tha wo।
चलो तो फर्स्ट वाला ट्राई करो बच्चों, x प्लस में मैं 2-3 मिनट और ले रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। x प्लस y इज a वेक्टर। सर एक्स्ट्रा का सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है? अरे सॉरी, हाँ सॉल्व फॉर x y z ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। सोचो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स वेक्टर का आंसर ये है, ए वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए बाय मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। हाँ सही है, सही है। ईशान, ईशान एक बार वापस से देख दोस्त, तेरा स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, ए डॉट बी अपॉन लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, तूने कहीं गलती करी है। वापस से देख, फर्स्ट वाला वाई इज माइनस ए क्रॉस बी, नहीं दोस्त, किसका आंसर था ये? कुछ तेरा सही है बट शार्विल गलत आया है, माइनस ए क्रॉस भी नहीं आएगा, फिर से सोचो कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन टू में मतलब मुझे एक्स की मॉड्यूलस की वैल्यू आ रही है बट एक्स की नहीं आ रही। हाँ तो वो मतलब इट्स स्टिल इनकम्प्लीट, इन शॉर्ट मॉड एक्स इज नॉट द फाइनल आंसर। मॉड एक्स आ रहा है तो फाइन, इफ इट इज यूजेबल यूज इट, बट मॉड एक्स इज नॉट द फाइनल आंसर। नो सेकेंड क्वेश्चन में x के आंसर में लैम्डा भी आ सकता है ना? यस बिल्कुल, लैम्डा लैम्डा के टर्म्स में आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ लैम्डा के टर्म्स में। यहाँ पे a b लैम्डा ये सब a टाइप के कांस्टेंट्स है ना, लाइक फॉर लीनियर इक्वेशन। लैम्डा तो स्केलर कांस्टेंट है और a और b फिक्स्ड वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर्स है। अमोग तेरा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, y जो आ रहा है तेरा स्केलर अपॉन वेक्टर आ रहा है अमोग, स्केलर अपॉन वेक्टर आ रहा है अमोग, तो ये गलत है, वापस देखो। चलो अच्छा बताओ, सबसे पहले x डॉट a गिवन है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे भी क्या निकाल के रख लेता हूँ, जल्दी बताओ यहाँ पे x डॉट a गिवन है तो डॉट ऑफ a मार दो, जल्दी बोलो। लास्ट टाइम जैसे क्रॉस ऑफ a कर देंगे, क्रॉस ऑफ ए भी करेंगे बट बेस्ट रहेगा पहले डॉट लो ना, कर सकते हैं ना फर्स्ट, है ना। हाँ पहले डॉट के रहो ना, क्योंकि ए डॉट एक्स दिया हुआ है तो ए डॉट एक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए है ना। तो कितने बच्चों समझा, यहाँ से खुशी की बात यह है कि ए डॉट वाई भी आ गया, लेट्स सी इफ इट इज यूजेबल और नॉट, पता नहीं बट ए डॉट वाई आ चुका है। अब छेड़ने वाली इक्वेशन कौन सी है ट्रूली, जिसको तुम छेड़ोगे कौन सी वाली? क्रॉस वाइज को बीच वाली क्रॉस से, और इसमें तुम किससे क्रॉस मारोगे ये बताओ। व्हाट वाज द की गिव अवे कि भैया मैं ए से मारूंगा बी से नहीं, क्योंकि ए डॉट एक्स दिया, सो यू गेट इट, सो यू सर बी वेक्टर क्रॉस ही आल्सो ना? नहीं 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 मैं, अच्छा हां आरएचएस में ए क्रॉस भी होना चाहिए बट ये तुम्हें दिखना चाहिए कि बी के क्रॉस से बेटर है ए का क्रॉस, क्यों? क्योंकि ए डॉट एक्स और ए डॉट वाई गिवन है ना। Yes, sir. हाँ तो वो तुम्हें दिखना चाहिए, वैसे काफी बच्चों को दिखा, तो ये बन रहा है a dot y x vector। sure? हाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, b cross b क्या तो जीरो ही आएगा, तो मतलब नहीं है। मतलब हो सकता है काम आ जाए, ऐसा नहीं है, जीरो आना इज नॉट अ बैड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बट जब मैं इसका b का क्रॉस लेता तो b dot y और b dot x बनता, वो दोनों ही yes, नहीं, नहीं सर ये समझा मुझे आपने जो किया क्यों किया, पर मैं दूसरा रीजन पूछ रहा था, ऐसा कुछ हो सकता नहीं, नहीं जीरो इज फाइन, जीरो इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो इज फाइन प्रोवाइडेड इट हेल्प्स। तो इसको तो सब्सिट्यूट कर दो, a डॉट y ये गिवन है और a डॉट x ये गिवन है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, वेक्टर देखो सेपरेट हो गए, तो इसको लिखो मॉड ए स्क्वायर x वेक्टर माइनस x माइनस y, है ना, तो ये भी तो गिवन है यार, बहुत ही बढ़िया, ये तो अच्छा काम हो गया यार, मॉड ए स्क्वायर x वेक्टर इज a क्रॉस b प्लस, इसको इधर लेके a वेक्टर लिख दो, x प्लस y दिस, तो x वेक्टर क्या बन जाएगा a क्रॉस b प्लस a अपॉन मॉड ए स्क्वायर, डिवाइड कर सकते हो क्योंकि मॉड ए स्केलर क्वांटिटी, ये आंसर है, और y क्या बन जाएगा a माइनस x, ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। हाँ हरी सही था, करेक्ट। बाकी बच्चे जिन जिन का गलत आया था, अमोग चेक करो कहाँ गलती हुई थी, शार्विल चेक करो कहाँ गलती हुई थी, ठीक है? यस सर। करेक्शन देख लो कहीं पे, ऐसे थोड़ा हम कई बार मिस्टेक कर लेते हैं कि डॉट डॉट को मल्टीप्लिकेशन जैसे ले लिया, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वो थोड़ा ध्यान रख के रखना। वी गेट दिस डायरेक्टली ऑल्सो इफ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय एक्स बार,
एक सेकंड ब्रायन, अगर x बार मतलब x वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पहला बन जाएगा मॉड x स्क्वायर प्लस x डॉट y इक्वल्स टू 1, हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ब्रायन चलेगा 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 चलेगा, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है फाइन सही है बन रहा है तो बनाओ बिल्कुल बट वुड इट रियली हैव हेल्प्ड अगर मैं x से क्रॉस मारता एक सेकंड सोचने दो x से क्रॉस मारता तो x क्रॉस y a क्रॉस x मिल जाता सॉरी x क्रॉस a मिल जाता तो x क्रॉस a b बन जाता उसके बाद डॉट विद ना यार मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा नहीं पता नहीं एक बार वापस चेक करो मुझे नहीं दिख रहा डॉट x का क्रॉस लेने से तो कुछ नहीं हो रहा था मेरे हिसाब से क्वेश्चन थ्री में सेकेंड टर्म इज यूनिट वेक्टर ऑफ r और r वेक्टर थर्ड क्वेश्चन में इट इज r डॉट b r डॉट b r क्रॉस a प्लस r डॉट b ऑफ c वेक्टर इक्वल्स टू b क्रॉस c अच्छा ठीक है आशुतोष ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा सेकेंड क्वेश्चन क्या लैम्डा x प्लस x क्रॉस a lambda x plus x cross a is b करो मेहनत धूम मचाओ डॉट क्रॉस सोचो किस किस का लोगे अजीब मतलब a का सोच रहा था काफी बड़ा हाँ मतलब थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन थ्री का और बड़ा है बड़ा आंसर इज नॉट बैड कुछ गलती नहीं है आने दो तुम देखो दोनों दो जगह पर x है तो किसका डॉट किसका क्रॉस लोगे सोचो दौड़ाओ दिमाग कोई पहले से तो आपको बता नहीं सकता एंड यू कांट जज की पहले से इसी को डॉट लूंगा तो मैं एकदम सही लगेगा ले लेके देखो उसके हिसाब से देखो कौन सी कंडीशन यूज करके आप फाइनल आंसर ला सकते हो हाँ अक्षर और डॉट भी लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं बी बाय लैम्डा नहीं आ रहा आशुतोष तूने कहीं मिस्टेक के लिए चेक कर थोड़ा आंसर बड़ा सा इसका हाँ नाउ सीन्स करेक्ट हरी आई थिंक बी बाय लैम्डा नहीं है बी बाय लैम्डा सही नहीं है ऑफकोर्स नहीं है कहीं पे गलती करी होगी चेक करो हाँ ब्रायन ऐसा सही है डिनोमिनेटर में लैम्डा स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर आना चाहिए डिनोमिनेटर में लैम्डा स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर टाइप कुछ आएगा करो करो दो तीन मिनट और देता हूँ बाकी बच्चे स्ट्रगल करो इस पे घिसो घिसना पड़ेगा करते जाओ रुको मत एक का डॉट लो एक का क्रॉस लो बी का डॉट लो बी का क्रॉस लो कोई एक ना एक चीज यूज आएगी आएगी सोचो
बहुत ही वियर्ड आंसर है क्वेश्चन टू। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, क्या प्रॉब्लम है उससे। मानवी एक बार चेक करो, बी डॉट ए के साथ एक और टर्म होना चाहिए, बी डॉट ए बाई लैम्डा के साथ एक और टर्म होना चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला मेरे को तो फ्रूटफुल दिख रहा है। ओके हाँ ठीक है मानवी। हो गया सर। Also, can I write the final answer once? Yes. पर वेरीफाई final answer, हाँ मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे रटा हुआ नहीं। A का डॉट लेता हूँ तो, okay, sir. हाँ ऐसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। A डॉट लूंगा तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये बन रहा है। तो सबसे खुशी की बात ये कि तुम्हारा ऐसा सड़ा हुआ A डॉट x है, इसकी वैल्यू मिल गई है तुम्हें। A डॉट x का वैल्यू ये है ऑक्टेन, ठीक है। इफ इट इज यूजेबल वी विल यूज इट। बाकी क्या बन रहा है, मुझे तो क्वेश्चन की शक्ल देख के मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे क्या करना है। अगर क्रॉस लेना है तो किसका लेना है? A डॉट x और x क्रॉस है ऑलरेडी प्रेजेंट है उधर। कितने बच्चों को दिख रहा है? Yes. तो x क्रॉस है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दैट माइट बी जस्ट, हाँ दैट माइट बी जस्ट यूजफुल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओनली। मतलब दैट माइट बी रिप्लेसेबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओनली। कि देखो मैंने A का क्रॉस मारा राइट साइड से, कितने बच्चों को दिख रहा है कि x क्रॉस है? अबे ये तो लहा x क्रॉस है, इसको यहाँ धीमे से चिपका दूं, जल्दी बताओ। x क्रॉस a को लिख सकता हूँ b माइनस लैम्डा x वेक्टर, है ना। हाँ यार ये तो अच्छा है, सब्स्टिट्यूशन था। और ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है? फर्स्ट थर्ड का डॉट विथ a वेक्टर माइनस मॉड a स्क्वायर x वेक्टर, और राइट साइड के b क्रॉस a को रहने दो। साथ ही साथ कितने बच्चों को दिख रहा है, ले a डॉट x का यूज आ रहा था तो ये भी चिपका दो। तो ये कितना बन रहा है बच्चों, लैम्डा बी वेक्टर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वेक्टर प्लस ए डॉट एक्स बोले तो ए डॉट बी बाय लैम्डा ए वेक्टर माइनस मॉड ए स्क्वायर एक्स वेक्टर इज बी क्रॉस ए। तो एक्स वेक्टर सेपरेट हो रहा है, देख लो एक बार ये दोनों टर्म्स। तो सबको इधर उधर क्रॉस क्रॉस वो कर लो, मतलब क्रिस क्रॉस इधर उधर शिफ्ट कर दो। तो एक्स बी वेक्टर प्लस ए डॉट बी बाय लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ओके, और ये हो गया अपॉन एक्स वाला उधर जाके क्या धूम मचाएगा, दिस होल डिवाइडेड बाय बोलो, समझा? दिस इज द आंसर। चेक करो आप लोगों का यही आएगी नहीं, ये था आंसर। प्योर 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 मैनिपुलेशन। थर्ड देखो, थर्ड का आंसर बड़ा है, और बड़ा आंसर है। सर माइनस ए डॉट बी बाय लैम्डा, माइनस ए डॉट बी का है भैया बाय? यस सर, राइट में शिफ्ट हो रहा है सर। आप राइट में लेकर गए ना शिफ्ट? नहीं नहीं, एक्स वाले वेक्टर को राइट में लेके गया हूं, बी क्रॉस ए को लेफ्ट में शिफ्ट किया बस। ओके सर। हाँ यश, सोचो सोचो सोचो, डॉट क्रॉस ही लेना, बट उसका आंसर बहुत बड़ा आएगा। आई डोंट थिंक इट इज लेंदी, लेंदी नहीं है, बट आंसर बड़ा आएगा। हाँ हाँ मैं टाइम दे रहा हूं, ऑफकोर्स टाइम दे रहा हूं, करो घिसो, मैं दो तीन मिनट में आता हूं, घिसो।
बोलो बच्चों। सर एक डाउट था, अभी यहाँ पे r डॉट b और फिर उसके बाद c वेक्टर का टर्म है, तो वो तो एक स्केलर हो गया, उसका फिर डॉट या क्रॉस कैसे लेंगे? r डॉट b इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ c वेक्टर, तो क्यों नहीं, c वेक्टर है, इट्स लाइक 2c वेक्टर, ऐसा टाइप का है। ओ, बिल्कुल ले सकते हो डॉट क्रॉस c। ओके सर, समझा सर। हाँ अशोक, काफी बड़ा आंसर है। हाँ हर्षिल, यस अलीना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। हाँ ईशान, एकदम जहरीला आंसर आएगा। बोलो, करूं? सबसे पहले आर डॉट बी इज अ पेन इन द एस, देखो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पेन। कितने बच्चों को चलेगा ए से डॉट मारो, तो ए से डॉट मारोगे पहला वाला जीरो हो जाएगा, आर डॉट बी एज इट इज, सी के साथ डॉट क्या बचेगा, ए डॉट सी, और RHS में बन चुका होगा A dot B cross C। तो कितने बच्चों को समझा यहाँ से, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई भाई, R dot B की वैल्यू ही आ गई बच्चों। A dot B cross C को ऐसे बॉक्स फॉर्म में लिख देता हूँ और A dot C से डिवाइड कर देता हूँ, since it is a scalar quantity, this can be done. This equals to, this is called to alpha ले लेता हूँ मैं, पूरा पूरा लिखने जाएंगे तो गंदगी हो जाएगी, लेट दिस बी कॉल्ड अल्फा, R dot B हमें अल्फा मिल चुका है, सो बेसिकली R dot B आ गया, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि अल्फा सी वेक्टर इज बी क्रॉस सी, अल्फा इज नोन नाउ, बट आर डॉट बी नोन है, तो अब बताओ मैं क्या करूं, सिंस आर डॉट बी इज नोन, व्हाट कैन आई डू, बी के साथ क्रॉस नेचुरली, ये समझ आना चाहिए कि मैं बी के साथ क्रॉस मारूंगा, क्योंकि आर डॉट बी गिवन है, तो आर डॉट बी तभी बनेगा जब बी के साथ क्रॉस मारूंगा, तो बाकी सब कचरे को लिखे रहने दो, बाकी सब कॉन्स्टेंट ही है, डजंट मैटर। तो ये क्या बन रहा है, ए डॉट बी आर वेक्टर सेपरेट हो गया सुंदर सुंदर, माइनस b dot r a vector, b dot r को अल्फा रख दिया मैंने, है ना, b dot r को अल्फा रख दिया मैंने, तो ये रहा तुम्हारा gigantic answer, we are getting r vector as b cross c minus alpha b cross c plus alpha a vector whole divided by a dot b, this should be your answer, ठीक है, where alpha is given by this, ये गंदा term, a b c का box upon a dots, all right? Cool. ठीक है, ये रहा बच्चों थर्ड क्वेश्चन। अब वो इन चैप्टर का थ्री थोड़ा गंदा है, गंदा इन चैप्टर थ्री वाला जो क्वेश्चन है ना, गंदा क्वेश्चन है।
सर कैन यू शो दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन वंस फोटो खींच लो वेरी गुड हरी थैंक यू जल्दी सॉल्व हो गया हरी वेरी गुड ग्रेट जॉब क्वेश्चन थ्री का सोल्यूशन दिखा सकते हाँ जस्ट जस्ट किसी को फोटो खींचना है तो खींच लेंगे क्वेश्चन टू का नहीं सर क्वेश्चन थ्री थ्री का प्रजस कर तो सकते हो बट फिलहाल मतलब कर सकते हो चलो ठीक है अमोक ले सकते हो बट मैं बिना उसके करूंगा ले सकते हो दैट अजम्पशन इज फाइन सर पहले फिफ्थ कर रहे हैं देन थ्री एंड फोर राइट इसी ऑर्डर में करना है यस ये गिवन है क्वेश्चन में तीनों का मॉड सेम है तो तीनों का इक्वल टू टी ले लेता हूं और पी डॉट क्यू क्यू डॉट और आर डॉट पी जीरो है सर मैंने आईजेके ले लिया आईजेके इज फाइन आईजेके इज फाइन बट मैं ऐसे ही करूंगा आईजेके लेके थोड़ा इजी पड़ जाएगा आई कैन अग्री टू दैट बट यूजुअली वी शुड डू दैट इन एग्जाम्स ओनली अभी तो अपन प्रॉपरली सॉल्व कर
हाँ रचित सही है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई तो करो, जैसे फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है p डॉट p, तो मॉड p स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर ले लेता हूँ, तो p डॉट p x माइनस q माइनस p डॉट x माइनस q ऑफ p वेक्टर, मतलब x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टाइम्स x माइनस q माइनस p डॉट x बचेगा और p डॉट q जीरो हो चुका होगा, ये फर्स्ट टर्म है। तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन पहला टर्म ऐसा बन रहा है तो दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, देखो लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस क्यू लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस पी लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस, ऐसे करके समझ रहे हो क्या, बोलो सर लैम्डा क्या लिया है आपने, लैम्डा नहीं सॉरी टी 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 सॉरी। तो ऐसे तीन टर्म्स को सिमिलरली अदर टू टर्म्स को लिख दो, तो डायरेक्टली ऐसे साइक्लिक समेशन जैसे हो गया अदर टू टर्म्स। तो ये क्या होता है, पहले स्क्वायर से टी स्क्वायर आ रहा है, पहले वाले टर्म से टी स्क्वायर और एक्स माइनस क्यू आ रहा है, दूसरे वाले से टी स्क्वायर और एक्स माइनस पी टी स्क्वायर एक्स माइनस आ रही है, समझा। उसके बाद ये वाले टर्म्स ध्यान से देखो, पी डॉट एक्स पी बन रहा है, तो और तीन और क्या टर्म्स बन रही होंगी, समझता है लगता है, तो हाँ वही क्यू डॉट एक्स क्यू आर डॉट एक्स और आर डॉट एक्स आर, तो वही एक टर्म इसलिए अच्छे से निकाल लो, बाकी सब पूरा एक्सप्रेशन ही साइक्लिक है तो टर्म्स भी साइक्लिक प्रोड्यूस होंगी। अब सबको समझाओ यहाँ तक, तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, p डॉट x q डॉट x r डॉट x भी फंसा हुआ है और t स्क्वायर भी फंसा हुआ है, तो क्या करें, व्हाट एल्स इज लेफ्ट टू डू। सर डिवाइड बाय t करेंगे तो ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो x बन जाएगा, x वेक्टर। हाँ नहीं बट वो मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, नॉट जस्ट बाय डिवाइडिंग बाय t, थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो एक काम करो डॉट ऑफ p लो, पूरे इक्वेशन में t का डॉट लो, p का, तो t square as it is ये बचेगा 3 times p dot x minus p dot p, तो t square बन रहा है ना, p dot q और p dot r zero बन चुका होगा, minus p dot x तो पहले से ही है और p dot p ये बन जाएगा, p dot q और p dot r zero बन चुका होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं p का dot लेता हूं तो ये बन रहा है बच्चों, okay? तो इसमें से क्या बन रहा है, ये t square और ये t square पूरे में से कॉमन निकल के बाहर जा रहा है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है p डॉट x इज t स्क्वायर बाय 2, है ना, p का डॉट है तो p डॉट x की वैल्यू t स्क्वायर बाय 2 आ रही है। कितने बच्चों को समझा कि सिमिलरली सेम से साइक्लिक एक्सप्रेशन q का डॉट और r का डॉट लेके तो क्या रिजल्ट बचेगा बच्चों, गेट यूज्ड टू दिस, q डॉट x क्या आएगा, सेम t स्क्वायर बाय 2, ऑलराइट। सो इक्वेशन 1 अब क्या बन चुका है, t square तो as it is 3x minus p plus q plus r as it is sir। हाँ तो cyclic इसलिए हम लोग किसका भी dot ले सकते हैं ना, p q r में से। हाँ तो मैंने तीनों का लिया है actually, मैं I have taken dot of all three, तो जैसे p का dot लेके p dot x बच रहा है t square by 2, तो q का dot लेके क्या बचेगा, q dot x t square by 2, r का dot लेके r dot x t square by 2, ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे p dot x q dot x r dot x की सबकी वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन वन क्या बन चुका है, t square by 2 t square by 2 t square by 2, तब खुशी के बाद ये कि t square फिर से उड़ गया, तो क्या बन रहा है 3x minus ये और ये का एडिशन बन रहा है 3 times p plus q plus r by 2, तो दिस इज द लेजिटिमेट मेथड। बाकी कई बच्चे ने जो ये अजम्पशन लिया है कि p q r सर इक्वल मॉड भी गिवन है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन है, तो फॉर इजियर कैलकुलेशन यू कुड हैव डन दिस ऑल्सो, for easier that would have been little like half the length of this solution, for easier p q and r ko kya le sakte the i j k, theek hai bilkul kar sakte, sir ek doubt hai bolo, sir divide by t karne se p cap into p bar dot x bar aayega, ha so that will become x right, or divide by t square karne ke liye because wo p cap डॉट प्रोडक्ट के अंदर वाला भी पी कैप होना चाहिए, मतलब टी से डिवाइड करूंगा तो एक्स डॉट पी कैप ऑफ पी कैप बचेगा, है ना सर, सिर्फ पी बचेगा ना बिकॉज एक ही बार टी से डिवाइड किया ना, अच्छा एक टी से डिवाइड कर रहा है तो ये बचेगा एक्स डॉट पी कैप पी वेक्टर, आगे आगे ओके, तो दो टाइम डिवाइड करने से एक्स वेक्टर बन जाएगा ना सर, सेकंड ब्रैकेट बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है पी क्यू आर,
तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वेक्टर ही बन जाएगा. श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, इफ यू कुड सी दैट देन और अच्छी बात है. वेरी गुड, ओके थैंक यू, चलेगा. तो ये हो गया नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन. तो ये भी बहुत जहरीला क्वेश्चन था, दिस वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. काफी अच्छे क्वेश्चन सही है. अब नेक्स्ट वाले मिसेलिनियस ट्राई करो. आई थिंक मिसेलिनियस के स्टार्टिंग एक दो ओके हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट. ट्राई करो स्टार्टिंग में जो मिसेलिनियस वाले, दे आर ओके, नॉट डिफिकल्ट. गो अहेड. इन चैप्टर थ्री के थर्ड में अटक गए हो. थर्ड वो वेक्टर फोर प्रोडक्ट वाला है ना, देख लेता हूं मैं. सो टी स्क्वायर बाय 2 निकालने के बाद आपने क्या किया? टी स्क्वायर बाय 2 निकालने का इसको इक्वेशन में पुट कर दिया वापस से. पुट ऑल ऑफ दिस एंटायर डेटा, पुट दिस डेटा इन इक्वेशन 1. तो p डॉट x q डॉट x और r डॉट x को टी स्क्वायर बाय 2 रखा तो काफी अच्छा बन गया. इन चैप्टर थ्री का थर्ड सोचो. इन चैप्टर थ्री का थर्ड करना कि मिसेलिनियस करना? मिसेलिनियस में इन चैप्टर थ्री का थर्ड दिया हुआ है मैंने. थ्री एंड फोर क्या दिया हुआ पता नहीं. फोर करना, हाँ पहले फोर करना है फिर थ्री करना है. ओके हाँ पहले फोर करो, इसी ऑर्डर में करो, इसी ऑर्डर में करो, पहले फोर फिर थ्री. नहीं ईशान, घिसना क्या है उसमें, घिसना क्या है उसमें, डायरेक्ट तो फॉर्मूला मैंने दिया है आपको, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है. एक्चुअली उसके दो फॉर्मूले ईशान, इफ यू नोटिस ध्यान से देखो, ईशान और हरी उसके दो फॉर्मूले दिए थे मैंने, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही अप्लाई हो रहे हो, समझ रहे हो. देखो मैंने जो एक थ्योरम दिया था, थ्योरम मतलब फॉर्मूला दिया था हर्षल, यस. क्वेश्चन थ्री की बात कर रहे हो, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर दोनों फॉर्मूला बेस्ड हैं, दोनों फॉर्मूला बेस्ड हैं. पहले फॉर्मूला लगाओ तो सही. यस समर्थ, ऑब्वियसली डन, वेरी गुड. फोर्थ वाला बच्चों बहुत आसान है, यू जस्ट नीड टू सी क्या करें. ये तीनों वेक्टर कोपेनर प्रूव करना है, बोलो.
पहले तो अपन ने फॉर्मल लगा दिया ट्रिपल प्रोडक्ट का, है ना, उसके बाद हम लोग एक वेक्टर को दूसरों के लाइक टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो करके दिखाओ माइनस वन या फिर से तीनों का सम मतलब इनटू कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा ना, वो थ्योरम जो आपने दिया था, कौन सा थ्योरम, तो जिसमें लैम्डा वेक्टर ए प्लस गामा वेक्टर बी, वो तीनों वेक्टर्स का सम जीरो हो जाता है। हाँ, तो तीनों वेक्टर्स का सम जीरो होना, बस बस सच में, हाँ कहाँ इधर, हाँ इतनी हाईफाई बातें मत करो, सिंपल तीनों को ऐड करो जीरो। सर लीनियरली डिपेंडेंट है ना? हाँ भाई भाई भाई, लीनियरली डिपेंडेंट या कोप्लेनर जो बोलना है बोल लो, ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितने बच गए, देख रहा है ए डॉट सी बी वेक्टर, ए डॉट सी बी वेक्टर ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, और बी डॉट सी ए वेक्टर, बी डॉट सी ए वेक्टर ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर तीन वेक्टर्स का एडिशन जीरो, इसका मतलब क्या, कोप्लेनर आया ना, जस्ट ऐड बस खत्म। ऐशान yes, थोड़ा सा थ्योरी कराऊंगा एंड में, एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक बाकी है वो एंड में कराऊंगा, आज थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। सर यू हैड गिवन सम व्हेन यू हैड सेड कि साइक्लिक शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो एबीसी बीसी और सीएबी वो इक्वल होंगे वो बॉक्स, तो वो यूज कर सकते हैं। सुन पहली तो मिस्टेक ये है कि यू डोंट सी इट कि ये बॉक्स नहीं है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर का, ये वेक्टर है वो स्केलर में होता है खाली। थर्ड सोचो बच्चों, वैसे राइट साइड का ध्यान में रखना, थर्ड के लिए तुम्हें चाहिए बॉक्स एबीसी और डी वेक्टर बचना चाहिए, तो सोचो फॉर्मूला बेस्ड है, सोचो बट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ना फोर्थ वाला, डिपेंडेंट हुआ ना जब एडिशन जीरो हो रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ओह सॉरी सॉरी यार, लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, किस सिस्टम में कंफ्यूज हो गया था। मानवी सही है, गुड चलेगा मानवी, इसके नेक्स्ट वाला विंडो टू जे वाला है, ट्राई करो, अच्छा समय वो, यू विल एंजॉय सॉल्विंग दैट सम, विंडो टू जे एडवांस 7 और एक्सरसाइज 3.2 का ट्राई करो। दो मिनट में आता हूं, ट्राई करो। हाँ करेक्ट ब्रायन, चलो सॉल्व कर देता हूँ, दीजिए ना सर 2 मिनट दीजिए। ओके ओके, इसमें डी वेक्टर सरवाइव करना चाहिए, तो देखो कौन से वाले फॉर्मूले में फर्स्ट या सेकंड, कौन से वाले में डी सरवाइव करता है सर, फर्स्ट वाले, तो देखो फिर ट्राई करो, बट वहां पे पोपट होगा, करो 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 करो, दो फॉर्मूले दोनों का यूज आ सकता है, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बैठे रहोगे।
हाँ प्रजस, तो थोड़ा सा सोचो, कहीं पे एक छेड़खानी करनी पड़ेगी। अब सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होंगे, अंदर वाले टर्म्स को आगे पीछे करना होगा ना। देखो देखो ट्राई करो, करो सर उसे 4D वाला लेंगे तो फिर वो सारे ब्रावो बॉक्सेस कैंसिल नहीं होंगे। ओके लेट्स सी। चलो हाँ बॉक्सेस कैंसिल हो रहे हैं, करेक्ट रचित सही है। चलो पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो बी बी सी डी ए वेक्टर, बी सी डी ए वेक्टर माइनस बी सी ए डी वेक्टर प्लस है ना सी ए डी कैड डी वेक्टर माइनस कैब डी वेक्टर। अब सस्पेंस बनाओ कि डायरेक्टली, मेरे को तो पता ही है, मैंने तो 50 बार सॉल्व कर रखा है, कितने बच्चों को चलेगा। नेक्स्ट वाले में करोगे तो डी मतलब कैंसिल नहीं होंगी चीजें, इस वाले में सेकंड डेफिनेशन यूज करो, ए सी डी बी वेक्टर, सेकंड डेफिनेशन की ए सी डी बी वेक्टर और बी सी डी ए वेक्टर। फोकट सस्पेंस बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा। ये देखो सेकेंड, इस वाले में मैंने सेकेंड डेफिनेशन यूज कर लिया, तो आप ध्यान से देखना। ये देखो ए वेक्टर का है बी सी डी और यहाँ पे ए वेक्टर का है बी सी डी, ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। उसके बाद बी वेक्टर है यहाँ पे सी ए डी ए और यहाँ पे ए सी डी ए, कितने बच्चों को ये कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सी ए डी को स्वैप करोगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, सी ए डी इज माइनस ए सी डी, देखो दिख रहा है, तो ये क्या बच रहा है, माइनस ऑफ बी सी ए डी वेक्टर माइनस सी ए बी डी वेक्टर, दोनों को साइक्लिक साइक्लिक खेल लो तो दोनों बॉक्स एबीसी के बराबर बन रहे हैं, समझा? तो थोड़ा सा सटल तरीके से अपन ने घुमाया तो आंसर आ गया। बोलिए। बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंटेशन से ही क्या होगा ना, मतलब ऑब्वियसली 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 अलग कॉम्बिनेशन स्ट्राइक काइंड ऑफ यस, मतलब पहले डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ करना पड़ेगा ना, लाइक दो दो डेफिनेशन है तो कोई। हाँ यस, माइनस नहीं प्लस आएगा अशोक, प्लस प्लस माइनस क्यों ले रहे हो? देखो सेवन स्टार्ट करना, सॉल्व करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक एक करके देखना, थिंग्स विल फॉल इनटू लाइन। गुड आशुतोष, करते जाओ।
हाँ निश्चिंत सही है, ये तो पता ही होना चाहिए, रटा हुआ है सबको। जल्दी बताओ भाई एक्स क्या होगा, जल्दी बचो, याद आना है, ये मैंने रटने के लिए बोला था आपको। यस सर, इंटरनल। इतने बच्चों को ये भी याद आ रहा है कि डिनोमिनेटर भी हमने क्लास में किया है, बोलो u प्लस v का मॉड इज 2 cos अल्फा बाय 2, क्या ये याद है किसी को? यस u का प्लस v का बिल्कुल क्लास में कराया मैंने, तो लो वही क्या काम ही खत्म हो गया। तो u प्लस v दूसरा क्या हो जाएगा, v प्लस w और उनके बीच का एंगल है बीटा, तो सिमी लरली और z क्या बन जाएगा w प्लस सर, बट वो यूनिट वेक्टर है ना, तो यस एग्जैक्टली, आपको कैप लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब u और अरे ठीक है ठीक है, अरे चलना है तो गलत थोड़ी है, वो नहीं बट मैग्नीट्यूड x बार का 1 थोड़ी है, तो कहां लिया मैंने 1 सर, बट वो लोग ने दिया यूनिट वेक्टर सर, x बार y बार और z बार। अच्छा उल्टा, मैं इनफैक्ट मैं खुद भी उल्टा बोल गया, तू भी उल्टा बोल गया, अगर x यूनिट है तो मैंने यूनिट ही तो लिया है। यस यस सर, यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, हां तो वो यही तो है, मैंने भी वही लिया और तू भी वही उल्टे, अब दोनों ही उल्टा समझ लिए। तो ध्यान से देखो, देन उसने पूछा है x, पहले अपन एक्स वाई जेड का बॉक्स निकाल लेते हैं है ना, क्योंकि हमें पता है क्या निकालना है, हम ज्यादा प्रिटेंड नहीं करते हैं। तो u डॉट v अपॉन 2 cos अल्फा बाय 2, v डॉट w अपॉन 2 cos बीटा बाय 2 एंड w प्लस u अपॉन 2 cos गामा बाय 2 इसका बॉक्स। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये जो डिनोमिनेटर वो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट वेक्टर है, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी बाहर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? Yes. तो 2 cos अल्फा बाय 2, 2 cos बीटा बाय 2 और 2 cos गामा बाय 2 पूरे डब्बे से बाहर आ जाएंगे, दे आर स्केलर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई टू द वेक्टर्स। बचा u प्लस w, v प्लस w, पता नहीं क्या बन रहा है, u प्लस v, v प्लस w एंड w प्लस u। कितने बच्चों चलेगा, अबे ये भी रटवा दिया था, ये तो सीधे सीधे ऐसा होता जा रहा है कि बस मतलब स्टेप्स लिखते जाओ, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस s, 2 टाइम्स a b c। तो कितने बच्चों को ये चलेगा, u v w का बक्सा अपॉन 4 मल्टीप्लीकेशन cos अल्फा बाय 2। अब उसने इसका बॉक्स पूछा था, ए बक सर स्क्वायर कर दीजिए, बस खत्म, बस खत्म, सुपर पप्पू, रियल आंसर आ गया। हाँ हमें तो ये याद था, लेकिन अगर बाय चांस याद नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता ना, मतलब दिस वाज अ वेरी ब्रूटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ ब्रूटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन था मेरे भाई, जेई सब्जेक्टिव में। हां तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है सब्जेक्टिव में ये एक्सेप्टेड था? सब्जेक्टिव में तुम्हें सब कुछ प्रूव करना पड़ता कि एंगल बाइसेक्टर ये होता है, तुम्हें प्रूव करना पड़ता, एक एक टर्म प्रूव करनी पड़ती, तुम इनफैक्ट ये भी यूज नहीं कर सकते थे कि u प्लस v, v प्लस w, w प्लस u इज 2 टाइम्स दिस, तो इनफैक्ट ये भी यूज नहीं कर सकते थे, अक्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x इज। हां यस, मैंने पूछा समझ लो, हां तो ये सर मतलब इतने बड़े-बड़े डिटरमिनेंट लिखने पड़ते निकाल के, डिटरमिनेंट नहीं सबको, अबे नहीं भाई डिटरमिनेंट नहीं, ये सब अपन ने डिटरमिनेंट से थोड़ी प्रूव किए, वो एडिशन वाले प्रॉपर्टी, हां ये सब प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज से प्रूव किए, तो वो करना पड़ता अपन को प्रूव की सी दिस इक्वल्स टू दिस होता है, सी दैट दिस इक्वल्स टू दिस होता है, तो 60 में से 6 मार्क्स का सम था भैया, 6 मार्क्स मतलब समझ रहे हो, टॉपर को खुद को 50 मार्क्स आते थे, नहीं सब्जेक्टिव में डायरेक्ट अलाउड नहीं थे बिल्कुल भी नहीं। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आ सकता है क्या ये, मतलब बिल्कुल नहीं, नहीं लेंथी है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेंथी है, हाँ सर वही शुड, इसका थोड़ा बचपन वर्जन आ सकता है कुछ छोटा सा सिंप्लीफाई करके पूछ ले तो, बट ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत लेंदी है। मेरा सब्जेक्टिव था यार, एक्सरसाइज 321 सुपर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सीखने को मिलेगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तब तो सीखने को मिलेगा, अगर तुमसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 21 में हम लोग को ए और बी, बी और सी और सी और ए के बीच में सब तीनों का एंगल अल्फा ना। हाँ, एबीसी यूनिट दिए हुए हैं क्या? मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ए डॉट बी, हाँ यस सर, एबीसी यूनिट दिए हुए। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए तीनों कॉस अल्फा ही होंगे, यस ये गिवन है। तो उसने पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन देम इफ द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम बोले तो ये दिया हुआ है ना आई थिंक, यस। तो फाइंड अल्फा, सोचो कैसे करोगे, सोचो। नहीं आशुतोष, नहीं ले सकते, एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, वो गलत हो जाएगा। आशुतोष यू कांट टेक इट लाइक दिस, एबीसी के बीच में एंगल गिवन है कुछ 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 कुछ, बी ए जैसे ये ए है और ये बी है, तो सी ऐसा वाला वेक्टर है जो दे रखा है, सो दैट ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, तो सी हवा में है। सोचो कैसे करोगे, स्मिथ ऑलमोस्ट करेक्ट बट अल्फा नहीं होगा, वो 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, बट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। हाँ अशोक, तो यूज कर सकते हो तो करो इस बात को, व्हाई नॉट। We can represent B in form of A and C. That would be a disaster, Nishit. You cannot express B in terms of A and C. ये linearly dependent या फिर coplanar vectors नहीं हैं। नाइन्टी माइनस अल्फा नहीं होगा प्रेम, बट डायरेक्ट मतलब यू आर इन द राइट डायरेक्शन, बट 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। सो लाइक वो एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, यस। हाँ तो करो करो जैसे भी आपको समझे, ट्राई करो।
हाँ मानवी, क्या बात है, वेरी गुड मानवी, बहुत ही बढ़िया है, इंप्रेसिव। हाँ 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 कोई मैं कुछ नहीं बोल रहा, आई थिंक जे अब सही सोच रहा है, थीटा, हाँ अब सही सोच रहा है, एंड मानवी एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ो। अक्षत मेरे को आखिरी के 5 मिनट में कुछ एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताना है, जस्ट डेफिनेशन ऑफ समथिंग, सो दैट वी कैन एक्चुअली अच्छे से रैप अप वेक्टर्स फॉर वंस एंड फॉर ऑल की वेक्टर खत्म, नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेश 3D स्टार्ट करेंगे। टेट्राहेड्रॉन बना के कुछ करना नहीं बहन, नहीं बहन, दो मिनट और दे रहा हूं, सोच लो फिर मैं सॉल्व करूंगा। रुको यश बताता हूँ, नहीं यार स्मित ऐसा तो कुछ सोच में नहीं आ रहा है। चलो देखो एक काम करते हैं इसको, मैं वैसे सो कैन यू गिव 2 मिनट्स, ओके 2 मिनट, ये सब बहुत यार निशिम हिंट दू, हिंट का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा इसमें, मतलब ये प्रॉपरली सॉल्व ही करना पड़ेगा। हिंट एक तो ये रहेगा कि ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली ए क्रॉस बी डॉट सी मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा एन कैप डॉट सी, नहीं यार अशोक कहीं गलती हुई होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। सर उसका फोर्थ रूट लिखना चाहता था मैं, पता नहीं यार बट एग्जैक्टली 1/2 to 4 तो नहीं आएगा, कहीं पे देखो कुछ गलती हो रही हो।
चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत मिस्ट्री बन गई है। चलो ध्यान से देखो, पहले ये समझा सबको कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा, मतलब बेसिकली साइन अल्फा और सी डॉट एन कैप क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड एन कैप, ये एंगल थीटा है बच्चों, चलेगा क्या? अनदर थिंग इज यू कैन नॉट हैव टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छे से। सी का ए के साथ भी अल्फा और सी का बी के साथ भी अल्फा है, ठीक है? तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सी का अगर मैं प्रोजेक्शन या शेडो निकालने की कोशिश करूंगा, एक बार प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सी का अगर प्रोजेक्शन या फिर शेडो निकालने की कोशिश करूंगा, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये जो शेडो है सी का, दिस शेडो ऑफ सी, यहां से ऐसे 90 डिग्री ड्रॉप कर रहा हूं ऐसे, दिस शेडो इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, हाँ या ना? बोलो बे। Yes. ए और बी का एंगल बाइसेक्टर, ये सबको समझ आता है? नहीं समझा। नहीं नहीं समझा। सर प्रोजेक्शन लिया किस चीज पे? Yes, सी का ए बी के प्लेन में, सी पे, अरे यार रुको एक सेकंड समझाने की कोशिश। अच्छा ओके, हाँ हाँ ओके, समझ गया। सी का एक बार ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे देख लो, ये मान लो तुम्हारे ए और बी वेक्टर है ना, ऐसे ए और बी वेक्टर है और सी निकल रहा है, बट सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ए एंड बी। तो जब मैं सी को ऐसे प्रेस करके ये कर दूंगा, समझ रहे हो, तो एंगल बाइसेक्टर क्या लॉन्ग होगा कि नहीं बताओ? ये सी वेक्टर है? नहीं समझा। अबे चमन समझा रहा हूँ, पहले सुन तो ले, वही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। वीडियो दिख रहा है ना अभी, यू कैन सी द वीडियो, यस और नो? यस सर। हाँ तो ये ए और बी वेक्टर है, ये ए और बी वेक्टर है और सी ऐसा हवा में, सी का ए के साथ अल्फा और बी के साथ भी अल्फा है, तो सी ऐसा है। तो अगर मैं सी को ऐसे ऐसे प्लेन में ऐसे प्रोजेक्शन ले लू, शेडो ले लू ये सी का, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि सी विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी? यस सर। तो सी का मैंने प्रोजेक्शन लिया, दैट इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? तो सी का प्रोजेक्शन इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, तो कितने बच्चों को चलेगा? सी का किसके साथ एंगल 90 माइनस थीटा है? सी का एंगल बाइसेक्टर अलोंग ए एंड बी इज दिस और नॉट? कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है, बोलो? सर एक डाउट है। यस सर। सी और ए प्लस बी, द एंगल बाइसेक्टर अलोंग ए प्लस अलोंग, सॉरी वेक्टर अलोंग ए एंड बी का एंगल बाइसेक्टर इज ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए प्लस बी इज फाइन। तो सी का ए प्लस बी से डॉट प्रोडक्ट, तो ये रहा सी और ये रहा ए प्लस बी, विल बी मॉड सी मॉड ए प्लस बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये समझ आ रहा है क्या? सर हम लोग लाइक डायरेक्टली ए प्लस बी वेक्टर को नहीं ले सकते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना एंड कैप, तो कोई भी वेक्टर जो ए और बी के प्लेन होगा उससे एंगल अगर 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए ना? नो, बी इज आल्सो वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी इज आल्सो वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो सी का 90 माइनस थीटा है क्या बी से? सी का अल्फा है। ओके सर, तो चूक से करेक्ट होगा। चलो एनीवे डॉट प्रोडक्ट लिया है वो प्रोजेक्शन ऑफ सी के साथ ए प्लस बी का है ना? अरे नहीं, सी का ए प्लस बी के साथ प्रोजेक्शन मेरे भाई। तो 90 माइनस थीटा कैसे है? अरे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना बिरजू, क्या बात कर रहा है? अरे सॉरी सर। ओके, तो सी डॉट ए इज कॉस अल्फा, सी डॉट बी इज आल्सो कॉस अल्फा, तो ये तुम्हारा बन रहा है साइन ऑफ थीटा, दिस इज साइन ऑफ थीटा। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी बच्चों? इक्वेशन वन ए क्रॉस बी डॉट सी वॉज गिवन 1/√2, तो इक्वेशन वन क्या बन रहा है? 1/2 इज साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? और 1/2 इज साइन स्क्वायर अल्फा को तो कुछ नहीं कर सकते, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 - साइन स्क्वायर, जल्दी बताओ, हाँ या ना? इसको इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करके जल्दी बताओ। हाँ यस सर। सोच लो एक बार, देख लो। तो ये बहुत ऑसम एनालिसिस, इसलिए मेरे को क्लास में करना नहीं था, ये ऐसे डायरेक्शन में भी सोचना पड़ सकता है, बट ऑफकोर्स ये है बहुत अच्छा मेथड, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ, बट दिस इज सर्टेनली नॉट द शॉर्टेस्ट। तो चलो, तो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं हाफ एंगल में ले जाता हूँ, ठीक है? सबको हाफ हाफ एंगल में खेलते हैं बच्चों, और मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना, लग तो नहीं रहा। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 2 cos² α/2 - 1, ओके, एलसीएम लेके, तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है,
व्हाट मिस्टेक एक सेकंड सोचने दो बच्चों. 1/2 इज 4 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2. sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2. 4 डिग्री बन गया. रुको यार, रुको 4 डिग्री बनना नहीं चाहिए था. नहीं, इंस्टेड ऑफ अल्फा बाय 2, एक सेकंड रुको. यहाँ पे मैं कुछ और करना प्रेफर करूंगा. मुझे 4 डिग्री अल्फा बाय 2 नहीं बनाना है. 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 को क्या लिख सकता हूँ, बोलो. 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 को 1 प्लस कॉस अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2. मैं इसी में क्यूबिक बना लेता हूँ. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, इसका एलसीएम लो, 1 प्लस कॉस माइनस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस. यस, दिस इज परफेक्ट. तो ये क्यूबिक बन रहा है बच्चों. 1/2 इज 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस माइनस 2 कॉस स्क्वायर. क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई बताएगा लेफ्ट साइड देखे कि क्या हिट करने वाला हूं मैं. C equal to half. बस, एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस है ना. पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये हाफ बन रहा है और ये बन रहा है 1 प्लस हाफ माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ माइनस हाफ, तो फिट कर रहा है. Yes. तो C अगर हाफ है तो अल्फा बच्चों हाफ 60 डिग्री पे, ये आ गया. तो ऑफकोर्स दिस वॉज अ वेरी गुड मेथड, मुझे तो ये पसंद है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस ऑफ वेक्टर लगाए बच्चों. देखो एक बार, अच्छा एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स लगाए. बट दिस इज सर्टेनली नॉट द शॉर्टेस्ट, दिस इज सर्टेनली नॉट द शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट देखो ये होगा शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लुक एट दिस. शॉर्टेस्ट मेथड वुड बी, कितने बच्चों समझ रहा है कि 1/√2 मुझे पसंद नहीं है, मैंने स्क्वायर कर दिया. अगर किसी ने इस डायरेक्शन में सोच लिया था मेथड 1, मतलब सुपर, तुम्हारा मतलब 3D तो सोचना काफी अच्छा है. मतलब अगर किसी को मेथड 1 समझ गया, मतलब सुपर, बहुत ही अच्छा है. ये देखो ट्रिकी मेथड, कितने बच्चों को समझ आ रहा है 1/√2 किसी को पसंद नहीं आता, स्क्वायर कर दो, बोलो. Yes, sir. ये देखो अब ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो nobody will be able to see. क्या ये बताओ, कुछ दिख रहा है, याद आ रहा है बचपन में, बचपन में मतलब लास्ट लेक्चर में, क्या ये सर, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन, ए डॉट ए, दो डब्बे का याद आ रहा है प्रोडक्ट, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, पीपल, b डॉट ए, b डॉट बी, b डॉट सी. क्या मुझे ये सारे टर्म्स पता है क्या, क्या मुझे a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a सब पता है क्या? हां सर. a डॉट a कितना है, a डॉट a 1 है, 1, a डॉट b cos अल्फा, कितने बच्चों को दिख रहा है? यस सर, वही चीज लिटरली 3 स्टेप्स में आ गई. मतलब वी आर अराइविंग एट अ क्यूबिक, ऑफ कोर्स यू नीड टू सॉल्व द क्यूबिक फर्दर, बट डब्बा ओपन करके क्यूबिक मिलेगा और वो क्यूबिक यही वाला मिल जाएगा. करूं आगे कि चलेगा? तो समझ गया सर, है ना, क्यूबिक कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ सॉल्यूशन है. तो ये हो गया ट्रिकी, ये हो गया ट्रिकी मेथड, ये हो गया ऑसम मेथड. तो ये क्वेश्चन मुझे क्लास में कराना है सर, बट हाउ आर वी श्योर दैट कॉस अल्फा इक्वल्स हाफ इज ओनली रूट? वो करके देख लेना यार, वो तुम समझ गए यार, इतने स्मार्ट हो चुके हो. बाकी दोनों शायद इसके इमेजिनरी आएंगे या फिर कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा टाइप, वो ठीक है यार, वो अंडरस्टूड है. ओके सर, मतलब करके यू कैन फर्दर डू इट. हां बोलो, फर्स्ट वाला मेथड जो कराया चाहिए, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में काम आया खाली, मतलब या फिर वो दूसरे मेथड से हमेशा हो ही जाएगा. ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए कराया क्योंकि मैं आपको ऐसे सुचवाना चाहता था कि ऐसे देखो क्या ऑसम एनालिसिस की, कि ये 90 थीटा, ये थीटा, ये ए प्लस बी से 90 माइनस थीटा बना रहा है. बट थिंकिंग दिस ऑन योर ओन वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद से सोच पाएंगे, बहुत मुश्किल है खुद से सोचना, बहुत मुश्किल है. तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन बुकलेट में दिया था और ये आई एब्सोल्युटली लव दिस. मुझे फर्स्ट मेथड भी बहुत पसंद है, मुझे सेकंड मेथड भी बहुत पसंद है. ठीक है, तो बच्चों थोड़ा एक्सटेंड नहीं करने का मन है मेरा, तो इसको घर पे आराम से वापस कॉपी कर सकते हो. क्या मेरे को एक 5 मिनट का बस डेफिनेशन बताना है, आर यू गाइस ओके विद दैट? ओके सर. वैसे भी सर, वो एक्स्ट्रा सम्स भी है ना, वो तो घर पे करना, वो तो आराम से करना, वो तो 5 मिनट का है भी नहीं, वो दोनों कम से कम 15 से 20 मिनट, इफ यू आर एबल टू सॉल्व, इफ यू आर एबल टू सॉल्व देन कम से कम 20 मिनट लगेंगे उसमें पर क्वेश्चन. तो वैसे रिक्वेस्ट है मेथड 1 खुद से एक बार घर से घर पे ट्राई करना बिना पीडीएफ देखे. ठीक है, प्रोजेक्शन जो भी मैंने क्लेम किया है ना, ये वाला कि सी का प्रोजेक्शन एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, वो ट्राई करना है.
चलो एक बस ये डेफिनेशन बतानी है ताकि मैं इसको कंप्लीट करके खत्म कर दूं, रेसिप्रोकल वेक्टर्स। जस्ट डेफिनेशन है, डोंट आस्क क्वेश्चंस। और मुझे भी नहीं पता क्यों दे रखा है ये बुकलेट में, जे ने तो आज तक पूछा नहीं है, पता नहीं क्यों। तो लेट ए बी सी बी नॉन कोप्लेनर्स, लेट ए बी सी बी नॉन कोप्लेनर ट्रिपलेट्स, ठीक है। देन अ ट्रिपलेट और अ सिस्टम ए डैश बी डैश सी डैश इज कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम, रेसिप्रोकल सिस्टम या फिर रेसिप्रोकल ट्रिपलेट ऑफ ए बी एंड सी। ओरिजिनल डेफिनेशन ये है बट अपन इसको डायरेक्टली फॉर्मूले बना के यूज कर लेते हैं। ए डैश बी डैश सी डैश को अपन बोलते हैं ए बी सी का रेसिप्रोकल सिस्टम इफ a डॉट ए डैश बी बनो, बी डॉट बी डैश बी बनो, सी डॉट सी डैश बी बनो, ठीक है। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, बस ये ओरिजिनल डेफिनेशन। हम क्या करते हैं, हम लोगों ने बोला कि हाँ होगा यार पता नहीं क्या है, हम लोगों ने तो ये लेके रखा है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, मैं अपने मन से थ्योरी नहीं बना रहा हूँ। ए डॉट ए डैश वन, देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर ए डैश, यस और नो? ऐसे बहुत सारे ए डैश हो सकते हैं जिनका ए के साथ डॉट वन हो जाए, है ना? यस श्योर, बहुत सारे वेक्टर बना सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को एंगल चेंज करना है ए के साथ और लेंथ को भी अपने हिसाब से एम्पलीफाई करना है, तो लेंथ और एंगल के हिसाब से मैं हमेशा डॉट प्रोडक्ट वन कर सकता हूँ। देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर ए वेक्टर, देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर ए डैश वेक्टर। हम कौन सा लेते हैं, ये वाला बस। तो ये अगर याद रख लोगे तो आपके लिए अच्छा है। ए डैश वी टेक दिस एज योर ए डैश, ये वाला ए डैश इज बी क्रॉस सी अपॉन बी ए बी सी, बी डैश क्या जाएगा एकदम साइक्लिक लिख दो, सी क्रॉस ए और सी डैश क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी। बस ये वाले तीन स्पेसिफिक ले लेते हैं, ये तीन अपन, इन तीनों को अपन बोलते हैं ए बी सी का रेसिप्रोकल। देखो ए का ए डैश का ए से डॉट लो, क्या बच रहा है, ए डॉट ए डैश का बनेगा बॉक्स ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी वन, बेटर है ना फिट। B का B dash is BC upon ABC, वो भी वन है, और C dot C dash is CAB upon ABC, वो भी वन है। तो अपन ये these three are the reciprocal vectors, these three are the reciprocal vectors, खत्म। तो वो notation में A की power minus one है कि A dash है? Dash 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 just dash, minus one नहीं है, dash है, ठीक है। इनफैक्ट ये देखो जरा notice करना, A dash को अपन ने B cross C बोला है, तो A dash किस किस के परपेंडिकुलर है, B dash को क्या बोला है C cross A, तो B dash किस किस के परपेंडिकुलर है, समझ आ रहा है? सिंपल है बच्चों, बस डेफिनेशन है। आई डोंट नो व्हाई इवन गिवन इन द बुकलेट, जे ने तो देखा यार A dash इज B cross C, तो A dash B और C दोनों के परपेंडिकुलर है, तो A dash का B और C से डॉट जीरो हो जाएगा, है ना? ओके सर, ओके सर। सिमिलरली B dash किस किस के परपेंडिकुलर C और A, तो B dash का C और B dash का A से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, एंड सेम विद C dash, बस खत्म। यही होता है रेसिप्रोकल सिस्टम, इसको लिख लो, यही होता है रेसिप्रोकल सिस्टम, इसको लिख लो, कोई काम का नहीं बट लिख लो, कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम। इनफैक्ट चलो ये प्रूव करके आना, बहुत ईजी है वैसे, सोच के आना। एबीसी का बॉक्स इंटू ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स इज वन, सर अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था ना सेम चीज कर लो, सो मैट्राइज को मैट्राइज, वो ये मैट्राइज सर, बहुत बाकी सर इज ही इनफैक्ट इनफैक्ट बच्चों ने वो मतलब ओपन ही कर दिया मार्केट में। ए डॉट ए डैश, हां हां, ए डॉट ए डैश 1, ए डॉट बी डैश 0, ए डॉट सी डैश 0, दिख रहा है क्या, बोलो बाय दैट ट्रिक फॉर्मूला, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस, कितने बच्चों को देख रहा है, ये तो वन ही होता डिटरमिनेंट। सर आपने मतलब वो ए बार डैश बी बार डैश को इक्वेशंस कैसे लिखे, सी ए वो सब के फॉर्म, वो अपन ने अज्यूम करें, मतलब वैसे ऐसे ओनली फॉलोइंग दिस डेफिनेशन, ए डैश बी डैश सी डैश फिक्स जरूरी नहीं है, फिक्स जरूरी नहीं है, तो अपन ये वाले लेते, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन ये लेते हैं, दे सेटिस्फाई द कंडीशन एंड दे दिस इज व्हाट वी टेक, और कुछ नहीं, बस ओके सर ये लेते हैं अपन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो
तो चलो आज के लिए यार निशिम मतलब ट्राई कर लो, अगर प्रोवाइडेड बाकी सब अपना होमवर्क होमवर्क हो चुका है तो जो ये गंदे गंदे क्वेश्चन है उनको ट्राई करना बुरा नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं उनमें, अच्छे क्वेश्चंस भी करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा डेवलप होता है आईक्यू, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, इसको कॉपी कर लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं 3D के साथ। मैं थोड़ी देर बाद ग्रुप पे होमवर्क अपडेट करता हूँ। वेक्टर अपना खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा वेक्टर में, बहुत डिटेल में अपन ने एनालिसिस कराए, तो वेक्टर का बुकलेट का क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो आराम से बैठ के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर 3D। सो यू विल मार्क एंड सेंड द क्वेश्चंस और लाइक विल दिस डू इट ऑन ऑफिस? व्हिच क्वेश्चंस? सो बुकलेट के वेक्टर्स के मैं थोड़ी देर में मार्क करके भेज देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ वेक्टर एंड 3D के सम से, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट ये 3D का सम था, तो मैं मार्क करके भेजता हूँ। हाँ आई विल मार्क इट एंड सेंड। हाँ चलो बाय 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 बाय। सो 3D से कितना? 3D वेक्टर से छोटा है बट वेक्टर पर डिपेंडेंट है, 3D थोड़ा सा छोटा देन वेक्टर बट वेक्टर पर डिपेंडेंट है। अभी के लिए लेवल असाइनमेंट कंप्लीट कर दे। लेवल तो बहुत इजी है, तुम लोग मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे अगर सिंसियरली बैठोगे ना तो 4-5 घंटे में तो उसको फाड़ के फेंक दोगे। हाँ सर वो जल्दी हो जाता है। हाँ कर लो, लेवल 1 पूरा हो जाएगा 3-4 घंटे में। चलो हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे मुझे नहीं पता था, कल है सर। ओके अच्छा, वैसे कल संडे तो इसलिए पहले से एडवांस में। थैंक यू थैंक यू। चलो टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय, मैं PDF शेयर कर रहा हूँ।